झुंझुनू जिले के महलू गांव में एक तुगल की फरमान का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिसारनिया निवासी युवक की शादी महलू गांव की गोमती के साथ हुआ था और शादी के 3 माह बाद ही आपसी विवाद के चलते दोनों ने कोर्ट से तलाक ले लिया। लेकिन अब समाज के लोग युवती पर दबाव बना रहे हैं और तलाक लेने के बदले 5 लाख रुपए का जुर्माना राशि समाज को देने की मांग कर रहे हैं, नहीं तो समाज से बहिष्कृत करने की चेतावनी दी है, जिस पर पीड़ित युवती ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीम सिंह भाटी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला 2-3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी और फिर ससुराल जाती तो मेरी मारपीट की थी और फिर मारपीट की थी उगड़ा मालानी में मुठभेड़ दर्द रहा। किसने मारपीट की थी? पति ने और ससुराल वाला देवर ने, देवरानी ने, सबने करी थी। और वहाँ पर उसने तलाक नमा मुझे शपथ पत्र लेकर दे दिया। शपथ पत्र लेकर दे दिया। फिर हम घर आए तो वो गाँव वाले इतने होकर समाज वाले वो कह रहे हैं कि इसको समाज से बाहर निकाल देंगे और बंद कर देंगे। नाम की एक परिवादी आज मेरे समक्ष पेश हुई थी। उसने ये बताया कि उसके पति के साथ उसकी अनबन थी। इस बात को लेके दोनों पक्षों ने आपस में बैठ के सहमति करके और एक दूसरे से अलग होने का फाइनल फैसला कर लिया था। उसके बाद में अब उनको कोई उनके समाज के ससुराल पक्ष के लोगों ने कहा है कि हमारे को वो अलग होने का तो हो गया, लेकिन अब हमें 5 लाख रुपए और दो जो हमारे खर्चा हुआ था या लगे थे, इस तरह का आरोप लगाया और वो नहीं दोगे आपको, आपको समाज से हम बाहर निकाल।